मुनमुन दत्ता और राज अनादकत के रिलेशनशिप को लेकर जो अफवाहें फैल रही थी, अब उस पर आ गया है दोनों का रिएक्शन। क्या रिएक्ट किया है इन दोनों ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बता देते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू और बबीता जी की रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा अफवाहें फैल रही थी और काफी ज्यादा मीम्स भी बन रहे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहाँ पर बबीता जी को पसंद करते हैं जो टप्पू के पापा है यानी कि जेठालाल है, वो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन टप्पू जो है वो उनके बेटे हैं, तो इन दोनों में एज डिफरेंस भी काफी ज्यादा है और रियल लाइफ में भी इन दोनों में एज डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब इस चीज को लेकर जब चीजें सामने आई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही ये चीजें जो है कई आर्टिकल्स छापे गए थे और कई ज्यादा जो मीम्स हैं वो बने गए थे और ये बातें सामने आई थी कि ये दोनों यानी कि टप्पू और बबीता जी, राज अनादकत और मुनमुन दत्ता, ये दोनों जो है एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं और इस पर कई ज्यादा जो है मीम्स बन रहे थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रिलेटेड मीम्स बन रहे थे, तो काफी ज्यादा चीजें जो है मेस्ड अप हो गई थी। अब इसको लेकर जो है मुनमुन दत्ता और राज अनादकत दोनों का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शर्म आना चाहिए मीडिया जो ये इस तरीके के आर्टिकल्स छापती है और हमसे बिना परमिशन के ये आर्टिकल्स छापती हैं, तो ये गलत बात है। तो वहीं मुनमुन दत्ता ने ये चीज़ भी कही है कि मुझे शर्म आती है कि मैं भारत की लड़की हूँ, क्योंकि इस तरीके से जो चीज़ें फैलाते हैं, फॉल्स न्यूज़ फैलाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली बातें हैं। और इसी से रिलेटेड जो है राज ने भी अपना जो है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने भी कई सारी बातें कही थी और कहा था लोगों को कि ये जो फॉल्स न्यूज़ है इन्हें छोड़कर जो क्रिएटिविटी आप यहाँ पर दिखाते हैं वो कहीं और दिखाइए, तो शायद आपके काम आए। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, तो हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो मानसिक स्तर है वो भी गड़बड़ा जाता है और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन शायद आप लोग ये चीज़ें नहीं जानते। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने रिएक्ट किया है और कहा है कि ये फॉल्स न्यूज़ फैलाना बंद कीजिए, यानी कि अभी तक दोनों ने कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी थी कि दोनों डेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। बॉलीवुड प्लस टेलीविजन जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।